बनारस के लिए ये तारीखी सम्मेलन हो रहा है, क्योंकि आज से दो साल पहले हम बनारस के लोगों ने जाने किस तरह में गैस रसगुल्ले में भाग ज्यादा हो गई थी, मिठाई खिलाने के बहाने बुलाया था, भाग मिला के भेज दिया था, और वो भी पूरे देश के लिए एक चिंता की बात हो गई है। तो देर से ही सही, सुबह का पूरा शाम को बनारस में लौट रहा है, और ये सम्मेलन अमन की कहानी लिखने वाले इस मुल्क की एक नई दास्तान शुरू करने की कोशिश है। जैसा मुझसे राकेश सिन्हा जी ने और भाई आदिल मोहम्मद ने कहा, असल में हम जहां तक पहुंचे हैं, जो हासिल हुआ है वो भी इस मुल्क की सियासत से हुआ है, जो हमारी आजादी है, हमारा संविधान है, और जो बिगड़ा हुआ है और बिगड़ रहा है वो भी सियासत की वजह से हो रहा है, चाहे वोट के लिए दंगे हो रहे हो और चाहे हुकूमत की आड़ में नफरत के बीच बोए जा रहे हैं। और बनारस आज नहीं, 1857 से सियासत की रोशनी को बढ़ाने वाले शहरों में से एक रहा। अमन कमेटी ने अच्छा किया कि देश के अलग अलग इलाकों में मोहब्बत और इंसाफ की मशाल जला के चल रहे लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। और वो लोग जब बनारस आए हैं तो उसके दो नतीजे निकलेंगे। एक तो देश को यह मालूम पड़ेगा कि बनारस भारत की सांस्कृतिक राजधानी अभी भी दिल खोल करके इस मुल्क को बनाने वालों को और बचाने वालों को अपना रहबर मानती है, अपना साथी मानती है, अपना भाई और बहन मानती है। यकीन मानिए, हम लोग के दिल में, अमन कमेटी के दिल में और स्वराज अभियान के दिल में कोई शक नहीं है कि ये जो बादल छाए हुए हैं ये छटेंगे, और जो सच का सूरज है जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता है, जिसमें भारत के लिए सिखों का बलिदान, ईसाइयों का योगदान, बौद्धों का योगदान, जैनियों का योगदान, और जो किसी धर्म में यकीन नहीं करते हैं उनका योगदान, ये सब हमारी याददाश्त का हिस्सा है। और इसलिए हुकूमतें आई हैं और जाएंगी, ये हुकूमतों का फर्ज बनता है कि वो इतिहास की धारा के साथ मिलकर चले, लेकिन अगर वो धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश करती हैं तो बड़े बड़े जहाज डूबे हैं। नफरत के जहाजों को मोहब्बत के समंदर ने हमेशा डूबने का काम किया और बनारस के लिए होगा। कल हमसे पूछा पत्रकारों ने, अच्छा किया इनको बुलाया, अमन तो चाहिए, बगैर अमन के तरक्की हो नहीं सकती, लेकिन ये तीसरा सीकर बात को क्यों बुलाया। हमने कहा क्यों, आपको मालूम नहीं है कि तीसरा सीकर बात हिंदुस्तान की बेटी का नाम है, और हिंदुस्तान की बेटी को नहीं बुलाएंगे तो किस पर बुलाएंगे। फिर कहने लगे कश्मीर में बहुत खून बह रहा है। हमने कहा कि ये तो आपने सही पहचाना, बेगुनाहों का खून बह रहा है, और अपनी हुकूमत की तरफ से जो नादानियां हुई है 70 बरस में और इधर हाल में उससे खून बह रहा है, तो बंदूक की गोली से नहीं, जमहूरियत की गोली से चलता है। और अगर 15 बरस का लड़का बंदूक उठाता है तो हमारे निजाम में, हमारे इंतजाम में कोई कमी है कि 15 बरस का बच्चा जिसके खेलने के दिन है, गाने के दिन है, सपने देखने के दिन है, वो शहीद बनने के लिए बाहर निकलता है। ये हमारी सियासत की गलती है, हमें वैकल्पिक सियासत चाहिए। आज तीन चीजें हैं जो अमन के खिलाफ खड़ी है। एक तो है दुनिया की ताकतें, दुनिया की बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि लोकतंत्र भारत का मुर्झा जाए, जिससे वो हमारी जमीन जायदाद लूट के अपने खजाने भरे, और इसलिए उन्होंने मीडिया से लेकर के पॉलिटिक्स तक में बहुत पैसा लगाया है उनको मजबूत बनाने के लिए, जो भारत की एकता नहीं, भारत के बंटवारे में, भारत के विखंडन में।
अपनी पूंजी लगा रहे हैं और उससे उनकी सियासत चल रही है। दूसरी चीज हमारा इतिहास, ताजा इतिहास बहुत खिलाफ है अमन के। आप देख लें कि पिछले 40 साल में जिन लोगों ने बांटो और भाग करो की कोशिश की है उनके हक में वोट जाता रहा। हमारा ताजा इतिहास गलतियों का इतिहास है। हमारे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इतिहास की ऐसी गलत समझ फैलाई गई है कि छोटी छोटी बात पर सोशल मीडिया में झूठ फैल जाता है। और तीसरी चीज हमारे खिलाफ जा रही है अमन के, हमारी अर्थव्यवस्था। इस समय रोजगार घट रहा है, आमदनी घट रही है, तो जब घर में रोटी कम हो जाती है तो सगे भाई बहनों में झगड़ा होने लगता है। और हम अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय इशारा करते हैं अगल बगल वालों पर, इसकी वजह से सब गड़बड़ है। आरक्षण की वजह से सब गड़बड़ है, अल्पसंख्यकों के छोटे छोटे अधिकारों की वजह से सब गड़बड़ है, उत्तर भारत की वजह से गड़बड़ है, दक्षिण भारत की वजह से गड़बड़ है, बिहारियों की वजह से गड़बड़ है, बंगालियों की वजह से गड़बड़ है। गड़बड़ सियासत की वजह से है कि रोजगार की तरफ ध्यान नहीं देती, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देती, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देती और भ्रष्टाचार की खाद पर हुकूमतों को फलने और फूलने का मौका देती। तो अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां दो दिन बड़ी संजीदगी से ये देखना है कि खतरा किस पर है। क्या हिंदू धर्म पर खतरा है, क्या इस्लाम का खतरा है, क्या सिखिज्म का खतरा है? मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों के टूटने से धर्म नहीं टूटा करते। हमारे दिलों में जगह होती है, यकीन होता है, सुकून होता है, तो धर्म बचे रहते हैं। यहूदियों को देख लीजिए दुनिया में कितनी जिल्लत उठानी पड़ी, ईसाइयों के झगड़े हुए, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक, शिया सुन्नी मुसलमानों में, शायद और वैष्णव। लेकिन धीरे धीरे इंसान अंधेरे से रोशनी की तरफ जाता है और धर्म का वो हिस्सा हमारे काम आता है जो रोशनी दिखाता है, और उस हिस्से को हम छोड़ देते हैं जिस हिस्से से पड़ोसी से नफरत हो, भय हो। इंसान भय और नफरत से जी नहीं सकता। तो साथियों, स्वराज अभियान की ये मान्यता है कि हमें दूर का देखना है और नजदीक से शुरू करना है, और इसलिए हम अपनी तीन चीजों को बचाना चाहते हैं। धर्म अपना हाथ देख लेगा लेकिन हमारी राष्ट्रीय एकता खतरे में है। अगर 1 अरब 30 करोड़ लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की दीवारें खड़ी कर देंगे तो रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता को बचाने के लिए अमन कमेटी आगे आ गई है। दूसरा, हमारे मुल्क में इंसाफ पर खतरा। इंसाफ का एक बड़ा सिपाही और सेनापति प्रशांत भूषण यहां मौजूद है और वहां से लेकर के बनारस के वकीलों तक के बीच में कई लोग मौजूद हैं जो इंसाफ को बचाने की बेहद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हुकूमत के चरित्र में ना इंसाफी बन जाए और ना इंसाफी की बुनियाद पर हुकूमतें बनने लगे तो कुछ वकील कुछ अदालतें बचा नहीं सके। इसके लिए आम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। और इसलिए वल्लभगढ़ की मस्जिद बनाने से लेकर के दूर उड़ीसा में भूख से तड़प रहे लोगों को उनकी जिंदगी बचाने तक के लिए हमें सारे काम करने पड़ेंगे जो हमारी रोटी, हमारे यकीन और हमारी अपनी अस्मिता को बचाने के काम हैं। तो वो काम है भारत के संविधान की रक्षा। और तीसरी बात जो अमन कमेटी के लिए और स्वराज अभियान के लिए जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय एकता की रक्षा और संविधान की रक्षा, उससे भी ज्यादा जरूरी है लोकतंत्र की रक्षा। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जिनको मैं देख सकता हूँ, शिव पूजन जी जैसे लोग जिन्होंने आज से 30 साल पहले जब एक बदमिजाज हुकूमत ने हमारी जनतंत्र की मशाल को बुझा करके अपने अंधेरे फैला करके हुकूमत बचाने की कोशिश की थी, तो 19 महीने तक हिंदुस्तान के लोग बनारस समेत लड़ते रहे जब तक कि हमारा लोकतंत्र वापस नहीं आया। आज फिर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है। लोकतंत्र को सबसे पहले मीडिया ने खत्म किया, करा उसके बाद विश्वविद्यालय में खत्म किया,
हमारे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, खाली आप सबको एक दूसरे को देखने की मैं सिफारिश करूंगा। कल हमको रात में 11 बजे बनारस में लोगों ने एक नुस्खा बताया, बात हो रही थी कि यार ये सब क्या हो रहा है भाई, हम इतने बेवकूफ हैं कि गलतियों से सीखते नहीं, बंटवारे से नहीं सीखते, दंगों से नहीं सीखते, मंदिर और मस्जिद तोड़ने से नहीं सीखते, औरंगजेब से लेकर के अडवाणी के गुनाहों से नहीं सीखते, क्या बात है। तो कहा बात बिल्कुल साफ है भाईजान, आप माफ करिएगा, आपको बुरा लगेगा लेकिन हमारी भी सुन लीजिए। वो वकील थे 70 बरस के, हमारे पुराने क्रिकेट के खिलाड़ी दिनों के साथी थे। कहा देखिए जो शोधे होते हैं, गुंडे होते हैं, चोर होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, दंगाई होते हैं, होते तो हैं थोड़े लेकिन बड़ी जबरदस्त गिरोहबंदी होती है उनके भाई जान। और शरीफ हिंदुस्तान भारत ही नहीं पूरी दुनिया में शरीफों का बहुमत है, लेकिन शरीफ थोड़ा बच बच के चलते यार, हम फिर से खाने जाते हैं। अरे भाई ये तो सियासत हो गई, अरे भाई तुम आगे जाओ, नेतागिरी करो, हमको क्या देना देना। शरीफों के बहुमत के बावजूद उनकी चुप्पी रहती है, और जब चुप रहेंगे आप तो बेवजह अपनी बातें फैल जाती है। साथियों इस सम्मेलन से जो छोटा सा हिंदुस्तान यहां मौजूद हुआ है, मैंने कोदंड राम की ताकत देखी है तेलंगाना में, हिंदुस्तान की हुकूमत से पंजे लड़ा के इन्होंने तेलंगाना बनाने का काम किया। देखा है शबनम हाशमी को दिल्ली के गुंडों के बीच में अपने भाई के मारे जाने पर उसके कफन की कसम से इन्होंने पिछले 30 साल से दिल्ली में जो सहमत का काम किया है, अनहद का काम किया है, पाकिस्तानी राष्ट्रीयों वकीलों के साथ, वो बेहद लोगों को जगाने वाला है, लोगों के हौसला बढ़ाने वाला है। काम बुनियादी को मैं जानता हूँ, प्रोफेसर तो हम टेक्नोलॉजी के, लेकिन उन्होंने इतिहास पढ़ने का काम किया, समाजशास्त्र पढ़ने का काम किया, और आज इस पूरे मुल्क में सारा झूठ एक तरफ और राम बुनियादी का इतिहास और समाज के सच के आधार पर चलने वाला बयान दूसरी तरफ, सच में सूरत के आगे झूठ टिक नहीं पाता। ऐसे लोग यहाँ आ गए हैं, मैं सबका नाम क्या दूं, लेकिन एक दूसरे को देखें, दो दिन में मोहब्बत के धागे बांधे। जो अभी बात मैंने बताई बनारस के कल रात के नतीजे के बारे में, जो बाकी आधी बात उन्होंने कही वो ये कि जब तक शरीफों में एकता नहीं होगी, जब तक सियासत में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो डराते रहेंगे, घबराते रहेंगे, और जैसे मणिकर्णिका पर हम के सौदागर हैं, लाश में से रोटी कमाते हैं, वैसे हमारे मुल्क के बहते खून और नाजूर को बढ़ाते हुए कीमते जाएंगे। कभी लाल झंडा होगा, कभी पीला झंडा होगा, कभी हरा झंडा होगा, कभी केसरिया झंडा होगा, भारत माता का झंडा लगातार झुकता चला जाए। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 50 साल इस शहर की सियासत से हिस्सेदारी रही, और उसके आधार पर मैं कहता हूं मेरे दोस्तों की हुकूमत है, लेकिन उनको दोस्त कहना अपनी दोस्ती का अपमान करना है। उनको फिक्र नहीं है, वो चाहते हैं कि आरएसएस बढ़े, वो चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद का मामला उलझा रहे, इससे कि फिर धरा करके वोट इकट्ठा करके अपने खानदान के लिए सात पुश्तों के लिए पैसा भरे, लूट ले इस मुल्क को, यह गलत हो रहा। और इसीलिए आज का सम्मेलन एकता की जरूरत, सक्रियता की जरूरत और हमदर्दी की जरूरत का सम्मेलन। मुझसे बनारस के लोगों ने कहा कि इन लोगों को छोड़ो भाईजान, ये अलग अलग चूल्हे पर रोटी पकाते हैं और वो एक ही साथ सबको अपनी बात करने का काम करते हैं, वो एक छोटा सा झूठ फैलाते हैं, बोलो भारत माता की जय, और उस पर मुल्क को बांट देते हैं। भारत माता का पहला मंदिर इसी बनारस में बना, ये मेरी आखिरी बात आपको, आप जाके देखना उस मंदिर को, गांधी जी ने उसका उद्घाटन किया, बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने उसका निर्माण कराया, वहां पर किसकी प्रतिमा है, किसी की नहीं है। वो भारत का भूगोल है, भारत के पहाड़ नदियों जंगल की बहुत खूबसूरत नक्काशी है, और उस मादरे वतन की शक्ल का वहां पर एक नमूना बना दिया गया, उसके आगे से झुका करके चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने शहादत की। लेकिन बाद में जो भारत माता का मंदिर बना हरिद्वार में, उसमें एक बीवी की तस्वीर बना दी गई, जाने अनजाने इंदिरा जी से उद्घाटन करा दिया गया। अब मुसलमान देख के भड़कता है, वो मादरे वतन
ऐसी की तैसी, तो उसको बताना पड़ेगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत माता की जय कहा है, मौलाना आजाद ने भारत माता की जय कहा है, और ये भारत माता की जय शहीदों की विरासत है, किसी आरएसएस वाले की नहीं है। साथियों, ये सम्मेलन शुरू होता है, कई बड़े संजीदा लोग हैं, कर्मयोगी हैं, जिन्होंने